यूं कहें कि ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। डॉक्टर अर्पित जैन डीसीपी मुख्यालय ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध थाना को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। साइबर पुलिस ने पूर्ण हो चुकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा चालू कराने के नाम पर कम समय में लाखों रुपए का मुनाफा दिलाने का लालच देने वाले साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे लड़कियों से फोन कराते थे ताकि लोग सहज ही विश्वास कर ले। वे किसी भी फोन की एक सीरीज को सिलेक्ट करते थे और लास्ट नंबर बदल बदल कर अलग अलग लोगों को फोन करते थे। फोन उठाने वाले लोगों को कहा जाता था कि वे लाइफ इंश्योरेंस की शाखा से बात कर रहे हैं। अगर उनकी कोई भी पॉलिसी या किस्त टूट गई है और उन्होंने किस्त नहीं भरनी तो उसे दोबारा चालू करा सकते हैं। फोन करने वाली लड़कियां लोगों को उपरोक्त आरोपियों के नंबर दे देती थी, जिसके बाद आरोपी फोन पर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पूछते। अगर कंपनी मैक्स लाइफ की होती तो उनको इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताते और उनको कम समय में ज्यादा फायदे का लालच देकर अपने अलग अलग खातों में पैसा डलवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14,10,000 रुपए कैश और 21 मोबाइल फोन सहित कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी रिमांड पे लेंगे सर, इनकी आज अभी रिमांड खत्म हो रही है तो, बट ये पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है एक्चुअली मोबाइल और इसका जो फॉरेंसिक है, तो उससे कई स्ट्रॉन्ग एविडेंस और हमारे पास आ जाएंगे। आपके मोबाइल पे अगर मैसेज आ रहा है तो अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें, ठीक है। कोई भी आपसे कोई कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है, आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। ये बहुत अभी अवेयरनेस भी इस पर जनरेट हुई है, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करना है, ठीक है। जो ऑथेंटिक बैंक का है आप पर्सनली वेरीफाई कर लीजिए कि उन्हीं का है कि नहीं। बेसिकली ये होता है कि हमारी खुद की कंप्लेंट होती है उसके बाद कॉल आता है, तो वो भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, तो एक वो वेरीफाई करना है। आप जब गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं किसी के बारे में कि स्टेट बैंक इंडिया की हेल्पलाइन क्या है, तो उसमें भी आजकल ये होता है कि वो गूगल पे कई बार गड़बड़ हो जाता है, उस पर आपने कॉल कर दिया और गलत हो गया, तो वो भी पर्सनली 2-3 सोर्सेज से आप वेरीफाई कर लीजिए। मैंने कि आपको अवेयर रहना है अपने। दूसरा, एक लोभ लालच में मत फंसिए, क्योंकि रिटर्न भी एक लेवल तक होता है। कोई बोल रहा है कि मैं दुगना रिटर्न तिगना रिटर्न दूंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें उसका इंटेंशन गड़बड़ है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना।